अलायंस का आह्वान किया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसी भावना का विस्तार है। इससे बिग कैट से जुड़े पूरे इकोसिस्टम के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल संसाधन जुटाना आसान होगा। इससे भारत सहित तमाम देशों के अनुभवों से निकले कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन एजेंडा को लागू करने में आसानी होगी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस उसका फोकस दुनिया की 7 प्रमुख बिग कैट्स के संरक्षण पर होगा, यानी जिन देशों में टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगवार और चीता है, ऐसे देश इस अलायंस का हिस्सा होंगे। इस अलायंस के तहत सदस्य देश अपने अनुभव शेयर कर पाएंगे, अपने साथी देश की ज्यादा तेजी से मदद कर पाएंगे। ये अलायंस रिसर्च, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी जोर देगा। हम साथ मिलकर इन प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाएंगे, एक सुरक्षित और बेहतरीन इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। साथियों, मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारी बायोडायवर्सिटी का विस्तार होता रहेगा। ये दायित्व हम सभी का है, पूरे विश्व का है। इसी भावना को हम अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान निरंतर प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। G20 का मोटो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर यही संदेश देता है। COP26 में भी हमने अपने लिए बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपसी सहयोग से हम पर्यावरण संरक्षण के हर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साथियों, इस कार्यक्रम में जो विदेशी अतिथि आए हैं, जो दूसरे राज्यों से यहां हमारे मेहमान आए हैं, उनसे मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। आप सभी को यहां एक और लाभ जरूर उठाना चाहिए। ये जो सह्याद्री का क्षेत्र है, वेस्टर्न घाट का क्षेत्र है, यहां अनेक ट्राइब्स रहती हैं। वे सदियों से टाइगर सहित हर बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने में जुटी है। उनका जीवन, उनका कल्चर पूरी दुनिया के लिए बहुत उत्तम उदाहरण है। प्रकृति से जितना लिया उतना ही प्रकृति को लौटाया, ये बैलेंस कैसे काम करता है वो हमें यहां सीखने को मिलता है, इस आदिवासी परंपरा में देखने को मिलता है। यहां आने से पहले मेरी ऐसे अनेक साथियों से बातचीत भी हुई है और इसी कारण मुझे आने में भी देर हो गई। जिस द एलिफेंट विस्परर्स डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर मिला है, वो भी नेचर और क्रिएचर के बीच के अद्भुत संबंधों की हमारी विरासत को दर्शाती है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के विजन को समझने में भी आदिवासी समाज की जीवन शैली से बहुत मदद मिलती है। मेरा आग्रह है कि आप हमारे आदिवासी समाज के जीवन और परंपरा से कुछ ना कुछ जरूर अपने देश, अपने समाज के लिए लेकर के जाएं। एक बार फिर
आप सभी का इस आयोजन में आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज टाइगर का जो नया आंकड़ा हमारे सामने आया है, आने वाले दिनों में हम और नए आंकड़े पार करेंगे और नए अचीवमेंट करेंगे, ये मैं पूरे विश्व को विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी थैंक द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। वी वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली रिमेन सीटेड व्हाइल द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डिपार्ट्स फ्रॉम द स्टेज।